अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ वाला केस, ठीक है। देखो मैंने सर्टेन केस करा दिया आप लोगों को, मैंने फ्रॉम वाला केस करा दिया, और अब मैं आपको ऑफ वाला केस करा दिया बेटा। ऑफ वाले केस में क्या होता है देखने जरा, ऑफ का मतलब क्या होता है देखो बेटा, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब का। और अगर मैथ में बोले ऑफ का मतलब तो क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब का या मल्टीप्लाई। लैंग्वेज में ऑफ वर्ड यूज होगा, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ऑफ वर्ड का यूज होगा। कैसे यूज होगा मैं बताता हूँ। देखो देखो फिर से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं, और उन लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि सी को वो पार्टनर बनाएंगे। सी एज ए पार्टनर अपॉइंट किया जा रहा है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। नया पार्टनर सी आ रहा है कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। और सी जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है उसको कौन कौन कितना कितना देगा, तो देखो कैसे लिखा है, फिर से बोल रहा हूँ कौन कौन कितना कितना देगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए, ठीक है, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ इज शेयर, ऑफ इज शेयर। देखो बेटा लैंग्वेज में ध्यान रखना ऑफ वर्ड का यूज कर। देखो इसमें मैंने क्या बोला, ऑफ इज 1/5 ऑफ इज शेयर, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ इज शेयर किसके लिए, सी के लिए। बी सरेंडर्स 1/5 ऑफ इज शेयर, क्वेश्चन में ऐसे लैंग्वेज यूज होगी, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ इज शेयर, बी सरेंडर 1/5 ऑफ इज शेयर। देखो अब मैं इसको पूरी क्वेश्चन को, इस पूरे केस को क्वेश्चन की फॉर्म में मत बोलता हूँ, फिर उस कंपेयर करना बेटा ऑफ और फॉर्म में क्या था, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा ये, तो कैसे आएगा देखो। क्वेश्चन में लिखा होगा ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं, फुल स्टॉप। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, नया पार्टनर सी आ रहा है कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए, फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, आगे यहां से देखना पड़ेगा इस पैराग्राफ को, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, इस सेंटेंस में देखना क्या लिखा है। ए सरेंडर्स या ए सैक्रिफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सैक्रिफाइसेस, ठीक है, एंड बी सैक्रिफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर। देखो ऑफ वर्ड का यूज हो रहा है, ऑफ हिज शेयर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो, ये लैंग्वेज यूज होगी। और जब बेटा ये वाली लैंग्वेज यूज होगी तो इस केस में ध्यान रखना, ऑफ के केस में याद रखना ये सैक्रिफाइस नहीं है, 1/5 ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये 1/5 सैक्रिफाइस नहीं है, 1/5 हमें निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। हमें ए के शेयर से मल्टीप्लाई करके ए के शेयर का 1/5 निकालना पड़ेगा, ए के शेयर को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का सैक्रिफाइस आएगा, इसी तरह बी के शेयर को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी का शेयर आ जाएगा, और जितना ये से आएगा वो ए का सेक्रीफाइस निकलेगा तो वो सी को मिलेगा, ये बी का सेक्रीफाइस निकलेगा तो वो सी को मिलेगा, और दोनों को जोड़ लेंगे तो वो सी के शेयर के बराबर बनेगा। तो ध्यान रखना मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जो ऑफ वाला केस होता है, ऑफ वाला केस, उसमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है, ध्यान रखना ऑफ वाले केस में सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है, और फ्रॉम वाले केस में क्या था, सेक्रीफाइस दिया हुआ था, अंदर से में आ रहा है। ऑफ वाले केस में ये सैक्रिफाइस ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे फिर ओल्ड शेयर में से माइनस करेंगे, ठीक है। और फ्रॉम वाले केस में क्या था, ये सैक्रिफाइस सीधा सीधा हमें क्वेश्चन में दे दिया था, तो फ्रॉम वाला केस आसान था, फ्रॉम वाले केस में कुछ नहीं करना, सैक्रिफाइस दे रखा था ओल्ड शेयर में से माइनस करो, न्यू शेयर आ गया, ओल्ड शेयर में से माइनस करो सैक्रिफाइस, जिस पार्टनर ने जितना जितना सैक्रिफाइस किए ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस करो, काम खत्म, न्यू शेयर आ गया, और तीनों पार्टनर के न्यू शेयर को रेशो कर दो, आ गए न्यू रेशो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑफ वाले केस में पहले आपको सैक्रिफाइस निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार सैक्रिफाइस आ गया फिर ओल्ड शेयर में से माइनस करके न्यू शेयर निकालो सारे पार्टनर का, और नए पार्टनर का जितना उसको तीनों के शेयर को रेशो में रखो तो न्यू रेशो आ जाएगी, ठीक है। ऑफ और फ्रॉम में अंतर समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा। देखो सबसे पहले फिर से करने का तरीका बेटा वही है जो हमने पहले करा था, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, सबसे पहले पुराने पार्टनर की रेशियो लिखो, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना, 3:2,
ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2। अब निकालो ए का सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे ऐसे, देखो एज सेक्रीफाइस, अगर मुझे ए का सेक्रीफाइस निकालना, कैसे निकलेगा देखो, क्या लिखा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 तो वही रहेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर में क्या 3/5, तो देखो क्या लिखा है, 1/5, पहले तो 1/5 मैंने लिख दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर कितना है उसका, हिज शेयर मीन्स 3/5, तो कितना आ गया बेटा 3/25। कोई डाउट है यहां तक? अच्छा इसी तरह देखो बी का सेक्रीफाइस बता दो, बीज सेक्रीफाइस, फिर से बी का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, तो बताओ 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, हिज शेयर कितना है 2/5, तो कितना देगा 2/25। कोई डाउट तो नहीं आ गया? देखो ये जो निकला है ये ए का सेक्रीफाइस निकला है, यानी ए ने, देखो जब हम ए के शेयर को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया, मैं कह रहा हूँ ए के शेयर को उस 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 3/25, तो ये सेक्रीफाइस निकला है, ये 1/5 सेक्रीफाइस नहीं था, 1/5 को ए के शेयर से मल्टीप्लाई किया तो जाके सेक्रीफाइस निकला, इसी तरह 1/5 को बी के शेयर से मल्टीप्लाई किया तो ये जो 2/25 निकला ये बी का सेक्रीफाइस निकला। बात हमारी, अब कोई दिक्कत है क्या? अब तो आसान है, अब क्या करना है बेटा आप लोगों को, जैसे फ्रॉम वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ऑफ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कोई डाउट नहीं। अब क्या देखो, एज न्यू शेयर निकालो, एज न्यू शेयर कैसे निकलेगा, एज ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर कितना आएगा 3/5, माइनस एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस कितना है 3/25, एलसीएम 5 और 25 का 25, ठीक है, तो 25/5 कितना आएगा 5, 5 × 3 15 माइनस 3 कितना देगा 12/25। कोई डाउट है क्या? इसी तरह बी का सेक्रीफाइस, बी का न्यू शेयर निकालो, बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कैसे निकलो, बी का ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर कितना है, बी का ओल्ड शेयर है 2/5, बी का सेक्रीफाइस 2/25, एलसीएम बी इज ओल्ड शेयर माइनस बी सेक्रीफाइस, ठीक है, बीज ओल्ड शेयर माइनस बीस सेक्रीफाइस, तो कितना गया एलसीएम 25, फिर से 25 को 5 से डिवाइड करो, 5 × 2 10 आ गया, 10 में से 2 गया 8/25। कोई डाउट है क्या? और सी का, सी तो पता ही है, सी इज न्यू शेयर, फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो जरा चाहो तो 1/5 लिख दो सीधा सीधा, ये सी का 1/5, या फिर आप चाहो तो ए से कितना मिला 3/25, बी से कितना मिला 2/25, दोनों का एलसीएम 25 और 25 का 25, तो कितना देगा 3+2 यानी कितना 5/25, इनको रेशो में रख दो, आगे नहीं रेशो, न्यू रेशियो ऑफ ए कॉमा बी एंड सी 12/25, रेशो में बी का नया शेयर 8/25, रेशो में सी का तो शेयर दे रखा था 5/25, एलसीएम ले लो 25, फिर 12:8:5, देखो 12 और 8 20 और 5 25, यानी ऊपर का टोटल नीचे के बराबर है, फिर से बोलो 25 टुकड़ों में से 12 इसको मिला, 8 इसको मिला, 5 इसको मिला, टुकड़े जोड़ोगे तो वापस 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, तो देखो मैंने बोला था ना, देखो अगर ये बर्गर है, हमने इसके पिज्जा है, एक पिज्जा है, इस पिज्जा के मैंने 25 टुकड़े कर दिए, ठीक है, इस पिज्जा के मैंने 25 टुकड़े करे, भाई 25 टुकड़े करे तो 12 ए को दिया, 8 बी को दिया और सी को 5 दिए, और अब मैं सारे टुकड़े जोड़ लूंगा तो पिज्जा एक पिज्जा नहीं बन जाएगा वापस का, तो वही तो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो जब इसको जोड़ोगे तो 12, 8, 20 और 5, 25, 25/25 एक आएगा तो एक पिज्जा बन गया, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये मैंने न्यू रेशो निकाल दी ऑफ वाले केस से। अब बेटा आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में ऑफ वाला केस है या फ्रॉम वाला केस है या फिर सर्टन केस है, ठीक है, सर मैंने बता दिया
फ्रॉम वाले केस में ये जो सेक्रीफाइस हमने अभी निकाला है ये दिया होता है, फ्रॉम वाले केस में सेक्रीफाइस पहले से दिया होता है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ऑफ वाले केस में हम देखो हमने मेहनत करी थोड़ी सी, ऑफ वाले केस में हमने मेहनत करी और मेहनत करके सेक्रीफाइस निकाला और फिर हमने ओल्ड शेयर में से घटाया तो जाके नए शेयर आया, ठीक है। और सर्टेन केस में तो मैंने पहले ही बता दिया, सर्टेन केस में क्या होता है नए पार्टनर का शेयर फिक्स होता है। सर्टेन केस में याद रखना क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर का शेयर बता देगा, ठीक है, पुराने पार्टनर की रेशियो बता देगा कि पुराने पार्टनर की रेशियो ये है और नए पार्टनर का शेयर इतना है। अब फिर उसके बाद देखो ये ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, ये नहीं दिया होगा बस क्वेश्चन में, ये चीज नहीं दे रखी, बस बता देगा ए और बी पार्टनर है और नया पार्टनर सी आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए रहा है। अच्छा 1/5 शेयर के लिए रहा, अच्छी बात है, किससे मिल रहा है भाई इसको, सी को कौन दे रहा है, ए दे रहा है बी दे रहा है, कुछ नहीं बताएगा। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, सर्टेन। इसमें देखो सी का जो शेयर है वो सर्टेन है, निश्चित है, फिक्स है, ध्यान रखना सी का फिक्स हो गया, ठीक है। तो पहले जो भी आएगा शेयर उसमें से हम जितना भी कमाएंगे उसमें सी 1/5 ले लेगा, बाकी बचे हुए शेयर को ये दोनों बांटेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरह से मैंने ये देखो सर्टेन केस भी कंप्लीट कर दिया, फ्रॉम वाला केस भी कंप्लीट कर दिया और ऑफ वाला केस भी कंप्लीट कर दिया, तीनों केस मैंने समझा दिए, ठीक है, ओके।